हेलो दोस्तों, आज हम आपको कोरोना वैक्सीन के दो डोज क्यों लेने पड़ते हैं ये बताने जा रहे हैं। कोरोना वायरस मतलब कोविड-19 जो अभी दुनिया भर में फैल रहा है। कोविड-19 के कारण दुनिया में 33 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा कि इंडिया में दो प्रकार की वैक्सीन आ चुकी है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, जो कि इंडिया के सभी नागरिकों को लगाई जा रही है और इन वैक्सीन के दो डोज लगाए जा रहे हैं। दोस्तों अगर आपने कोरोना वैक्सीन का पहला डोज कोविशील्ड लगा लिया है या फिर कोवैक्सीन लगा लिया है तो आपको दूसरा डोज भी सेम वही लगाना होता है। अब बात करते हैं कि वैक्सीन का दूसरा डोज क्यों लगाना पड़ता है। दोस्तों हमें जब वैक्सीन का पहला डोज लगाया जाता है तो हमारा शरीर थोड़ी सी कमजोरी महसूस करने लगता है और हमारे शरीर के एंटीबॉडीज एक्टिवेट होने लगते हैं ताकि यह हमें कोविड-19 के वायरस से लड़ने में मदद कर सके। वैज्ञानिकों ने रिसर्च से पाया कि वैक्सीन का पहला डोज इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, इसीलिए कोविड से लड़ने में हमारी एंटीबॉडीज पहले डोज में पूरी तरह एक्टिवेट नहीं हो पाते, इसीलिए हमें दूसरे डोज को लेने की आवश्यकता होती है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आपको आगे के लिए और वीडियोस लाते रहेंगे, जानकारियां प्राप्त करवाते रहेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में अपने विचारों को कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।